like a Hellcat. PUBGians, welcome back to another gameplay video. तो यार आज हम PUBG Mobile खेल रहे हैं सोलो वर्सेस इस डुओ, ये गेम प्ले है और थर्ड एल पे मैंने जंप कर दी थी और यहाँ पे दो डुओ आ जाते हैं तो उतरते ही मुझको कुछ खास नहीं M16 मिला था। देखो अपनी किस्मत कितनी ख़राब है मतलब मेरी हेल्थ। तो भाई उतरते मुझको कुछ खास गन नहीं, M16 और उजी मिली थी लेकिन उजी खास नहीं है भाई, बहुत खास गन है। तो क्या बोल रहा हूँ मैं, उजी मतलब मुझको उजी मिल चुकी थी, मतलब मजे आ गए थे। मुझको सामने की ओर से फायरिंग का साउंड आ रहा था, फुटप्रिंट आ रहे थे और मुझे एक बंदा सामने दिखता है तो उसको मैं M16 से पहले मारता हूँ। तो यार इस वाले बंदे को मैंने मार दिया था, अब इसको टाइम आ चुका था इसको पूरा फिनिश करने का। और इसका जो टीममेट है वो सामने वाली बिल्डिंग पर है, रेड वाली बिल्डिंग पर, मुझे साउंड आ गया था भाई वो कर देता है मेरे ऊपर रश। लेकिन भाई मैं बता दूँ नुबड़ा बंदा था तो भाई रुक, वो मैं थोड़ा मैं एमओज वगैरह उठाता हूँ और साउंड काफ़ी तेज आने लगा था, मतलब वो काफ़ी नज़दीक था, वो कर दिया था उसने मेरे ऊपर रश। अब देखना उजी जीनों पे कितनी कमाल चलेगी, मतलब भाई आधे से ज़्यादा हेल्थ उसकी उजी ने ख़त्म कर दी जीनों पे, मतलब बहुत अच्छी चलती है यार जीनों पे। और सामने की ओर से मुझे फिर फायरिंग का मतलब फुटप्रिंट आए थे और मैं यहाँ पे TPP लेने लगा क्योंकि अपने पास यूज़ ही थी और एक बंदा मुझको दिखता है। तो यार उजी की पहले इसके कनेक्ट नहीं हुई तो मैंने सोचा जाए गए हम, लेकिन बाद में उजी थी तो इसको मैंने पूरा फिनिश कर दिया उजी से। और फिर इसका टीममेट का साउंड मुझके सामने वाले घर से आता है, भाई मैंने सामने वाले घर की ओर देखा तो भाई उसका टीममेट भी दिख चुका था मुझको। और भाई इसका टीममेट आपको मैं बता दूँ, दो शॉट गन लिए था S1 2897, लग रहा है शॉट गन चैलेंज कर रहा था। और भाई देखो एक गोली में उसने मेरी कितनी हेल्थ आ गई, मैंने सोचा था मेरा गेम यहीं पर बच गया लेकिन नहीं भाई अपन स्केप कर गए। तो भाई मैं थोड़ा बहुत आगे गया हीलिंग वगैरह करके, मैं थोड़ा बहुत आगे गया लूट वूट की क्योंकि अपने को कंटेंट बनाना था और वीडियो मतलब बन नहीं पा रही, बंदे नहीं आते ना, और बंदे आते हैं तो खुद मर जाते हैं, मतलब अलग ही लेवल सीन है। तो भाई मैंने फटाफट से थोड़ा बैंडेज फाड़े और इस तरफ आया और भाई कितना डैमेज दिया मैंने M4 का, मैं आपको बता दूं मैं ही मैं लाइट में खेलता हैवी में नहीं खेलता। और भाई ये 1 HP बचा होगा और दोबारा से मैं उतना डैमेज दूंगा। और भाई ये 1 HP से भी कम बचा होगा, मतलब मेरा दिमाग कुनस गया था तो भाई मैंने सीधा रस इसके ऊपर मार दिया, मेरा हो चुका था मत्था गरम। तो यार जब तक ये नदी क्रॉस करता है तब तक मैं आपको बता दूं मैं ही मैं लाइट में खेलता हूँ, हैवी पे नहीं खेलता। और शायद से मेरे पास M4 का कंपनसेटर था इसलिए इतना एक्यूरेट स्प्रे गया, कैसे अपने का स्प्रे जाना वाना तो है नहीं। तो भाई यहाँ पे स्क्वाड हाउस में ये वाला बंदा जा चुका था तो मेरे पास थी यूजी, या डरने कोई बात नहीं थी, मैं सीधा घुस गया। यार इस वाले बंदे को मैंने मार दिया, अब उसको पूरा फिनिश करने का टाइम आ चुका था क्योंकि अपन तो जंगली बंदे हैं सबको पूरा फिनिश करेंगे। भाई इसको भी मैंने पूरा फिनिश कर दिया और इसके पास से मुझको 6x और काफ़ी सारा M4 को मिल चुका था। तो इस तरफ मुझको थोड़ा सा फायरिंग का साउंड आया, मैंने पहले M4 में 6x एडजस्ट किया, तो मैं भूल जाता हूँ यार काफ़ी पुराना है गेम प्ले, पता नहीं मैंने क्या किया। हाँ M4 में शायद से मैंने 6x बाद में लगाऊंगा। तो भाई पहले यहाँ पे एक कार दिख गई थी, कार को मैंने स्प्रे मारने का ट्राई किया लेकिन वो निकल गई थी, तो उससे पहले इस वाले बंदे को पहले सेट करेंगे। तो भाई इस वाले बंदे को सेट करके वो कार मेरी तरफ आने लगी थी तो मैंने उस कार पे स्प्रे मारा, तो भाई शायद से दो गोली कनेक्ट हुई, फिर उस कार ने मार ली कल्टी। तो अब स्प्रे कनेक्ट वनेक्ट होना कहाँ था क्योंकि एम असिस्ट अपन लाइट में खेलते हैं, कितनी बार बोलूँगा यार मैं। तो भाई इसके इन बंदों के भी एक दो शॉट्स लगे थे और मतलब ये देखो पिंग आई, भाई मेरे यहाँ पे पिंग बहुत हाई रहते हैं, कुछ मतलब वो बताना क्या कहते हैं सॉल्यूशन, कुछ सॉल्यूशन बताना पिंग आई को फिक्स करने का। भाई मेरा एमओ खत्म हो चुका था M4 का, मैंने थोड़ा और एमओ उठाया और इस तरफ से मुझको थोड़ा सा फायरिंग का साउंड आया था, एक बंदा मुझको दिखा था नदी क्रॉस करते हुए तो उसको मैं देखने लगा लेकिन वो बंदा मुझको नहीं दिखा। फिर इस तरफ से मुझको थोड़ा सा फायरिंग का साउंड आया, एक सेकंड में थोड़ा पहले इसको ओपन करूँगा प्रो बंदो की तरह, भाई देखूँगा किस तरफ बंदे हैं। तो भाई इस तरफ मुझे बंदे देखे नहीं लेकिन इस तरफ से मुझको थोड़ा सा फायरिंग का साउंड आया और फिर इस वाले बंदे को मैं स्प्रे दूंगा। भाई काफ़ी सही स्प्रे गया था एम असिस्ट लाइट के हिसाब से। और फिर ये देखो
भाई साहब खुले में प्रोन हो रहे हो, इसे तो तुम जिगजैग करके यहाँ से निकल सकते हो। तो भाई हेरी तोमर भाई को हमने पूरा फिनिश कर दिया, और मतलब इस तरफ मैं आया और इस तरफ मुझको मतलब फिर से उस तरफ से मुझको फायरिंग का साउंड आया था। तो मैं थोड़ा सा इस रैंप पे चढ़ा था और मैंने थोड़ा बंदे को स्कोप किया, लेकिन बंदा मुझको देख चुका था भाई। पहले मैंने इसके एक दो एक गोली शायद मारी, अभी नहीं, हाँ एक गोली शायद कनेक्ट हुई थी। फिर उसके बाद ये बंदा उठ के जाने लगा था, फिर इसके मैंने पूरा स्प्रे मारा भाई, इसके दो ही तीन गोलियाँ कनेक्ट हुई थी। मैंने सोचा भाड़ में जाए, उस तरफ से जोन नहीं है मतलब, तो मैं नदी क्रॉस करने लगा और मुझको पड़ेगा कार 98 का रैप्टा। ओ भाई साहब, और तो मैं किसी तरह यहाँ से एस्केप करके निकल गया, क्योंकि जोन के बाहर अपन फाइट नहीं लेंगे। तो यार मैं किसी तरह से एस्केप करके निकल गया, और आपको मैं बता दूँ इस वाले गेम पे में चिकन डिनर नहीं है भाई, लेकिन इसका जो अगला वाला गेम प्ले आएगा उसमें चिकन डिनर है। तो वो वाला गेम प्ले भी ज़रूर देखना, और चैनल पर नहीं होता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, क्योंकि काफ़ी सही आपको यहाँ पे चीज़ें मिल जाती होंगी, आप बता सकते हो। तो यार मैं जोन पे आ गया था, यहाँ पे एक ड्रॉप गिरा था और ड्रॉप में दो बंदे स्कोप किए बैठे थे। अब देखना अलग लेवल टिप्स एंड ट्रिक्स, ये देखो। तो भाई ये बंदा काफ़ी जल्दी नॉक हो गया, क्योंकि इसके मैंने हेड पे हेड शॉट मारे थे। यार ये काफ़ी जल्दी नॉक हो गया, टाइम आ चुका था फटाफट से इन लोगों के ऊपर रश करने का। तो मैंने फटाफट से इन लोगों के ऊपर पुश कर दिया, क्योंकि भाई ये लोग काफ़ी लेट हो चुके थे, तो मैंने इन लोगों के ऊपर पुश कर दिया था। भाई मुझको यहाँ पे लेवल 2 वेस्ट मिल चुकी थी, और ऊपर ये एक बंदा टीपीपी हार्ड टीपीपी ले रहा था। भाई ऊजी के सामने आप लोग कुछ नहीं, टीपीपी कुछ नहीं ले पाओगे। और मैंने मुझको मतलब कत्ते क्या स्प्रे पड़ा था मेरे, और फिर देखो मतलब मैं इस तरफ जाया और गया और मुझको आरपीजी पड़ गई। मतलब मैं अगर 2 सेकंड भी ऊपर आने में लेट हो जाता तो भाई मुझको आरपीजी ले जाती। तो मैंने फटाफट से एनर्जी लगाई, एक बंदे ने कर दिया था मेरे ऊपर पुश, और वो वाला बंदा फिर ऊपर नहीं आया। फिर ये बंदा है वो देखा, फिर इसको भी मैंने मार दिया, ये शायद से आखिरी बंदा था, पता नहीं लगा। अब 3 बंदे अलाइव थे, फटाफट से मैंने मेडिकेट लगाई। अब 2 बंदों की वहाँ पे मुठभेड़ हो जाती है, तो वहाँ पे तीसरा थर्ड पार्टी कर देता है, तो वहाँ पे एक ही बंदा बचता है। तो भाई वहाँ पे एक डुओ बचता है। तो यार इस वाले गेम प्ले में किचन नहीं हो पाया, तो आपको ये गेम प्ले पसंद आया होगा।